नमस्कार, न्यूज इंडिया फर्स्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। इसी के साथ नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अनूप शहर मां गंगा की पावन भूमि पर जीवनधारा नमामि गंगे फाउंडेशन का कार्यशाला श्री कांति प्रसाद सरस्वती शिशु मंदिर में आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव गुप्ता, संचालन राजेश कुमार शर्मा, प्रधानाचार्य मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ हरि ओम शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि जीवनधारा नमामि गंगे फाउंडेशन गंगा स्वच्छ जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण पूरे उत्तर प्रदेश में 25 बेसिन गंगा क्षेत्र में काम कर रही है। इस संस्था की स्थापना 5 जून 2016 को बुलंदशहर में हुई थी। अन्नपूर्णा योजना, गंगा सम्मेलन, जन जागरूकता, घाटों पर शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, विद्युत सौग्रह दाह गृह का काम जीवनधारा नमामि गंगे फाउंडेशन पूरा प्रयास करेगी। वृक्ष लगाओ, पृथ्वी बचाओ, जल बचाओ, माँ गंगा को अविरल अविरल बनाना है, गंगा को स्वच्छ बनाना आदि पर चर्चा हुई। गंगा घाटों पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया। इस अवसर पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अनुपसर से संवाददाता रविंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि माँ गंगा का प्रोजेक्ट है बहुत विस्तृत है। माँ गंगा ही है, लगभग 2100-2200 किलोमीटर की दूरी तय करके गंगा सागर में जाकर इनका प्रभावित होती है और उत्तर प्रदेश में ही बहुत सारी दूरी तय करती है, 25 गंगा बेसिन जनपदों में होकर के जाती है। देखिए, भारत सरकार की योजना गंगा संरक्षण नदी विकास मंत्रालय, जिसको हम जल शक्ति अभियान जल शक्ति मंत्रालय कहते हैं, माननीय गजेंद्र शेखावत जी के नेतृत्व में बहुत सारी योजनाएँ गंगा स्वच्छता अभियान को लेकर के चल रही हैं और सेकेंड फेज में जो सरकार हमारी केंद्र सरकार का जो हुआ था माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी द्वारा जो गंगा संरक्षण मंत्रालय में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इस अभियान में इस फेज में चयनित गंगा घाटों पर एसटीपी प्लांट का काम चल रहा है, सॉलिड लिक्विड बेस्टेज का काम गंगा बेसिन में चल रहा है। खुद हम लोग, कंचन मैडम जी हमारे साथ गई थी, हमारी पूरी टीम गई थी वहाँ पर, हमने जितने जनपद आपको बताएं उन सभी का दौरा किए हैं और इतना बदलाव आया है पिछले 5 साल में कि आज की डेट में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई भी गंगा घाट में नहाने वाला आदमी है वो कचरा फेंकने से पहले, पॉलीथीन प्लास्टिक के फेंकने से पहले एक बार सोचेगा तो जरूर, कम से कम, क्योंकि हम लोग उसी निरंतर मिशन अभियान को चला रहे हैं। बदलाव आया है, थोड़ा समय लगेगा क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन केंद्र सरकार की कितनी भी योजनाएँ क्यों ना आ जाएँ, तब तक ये अभियान सफल नहीं होगा जब तक कि जन जागरूकता और जन सहभागिता नहीं होगी। सर आप ये बताइए, जैसे अनूप शहर में जी सर ट्रीटमेंट प्लांट बना हुआ है जी सर, तो समय समय पर वो उस गंदगी को गंगा में प्रभावित कर देते हैं जी सर, और इसकी शिकायतें प्रकाशित भी अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हो चुकी है, परंतु इसका कोई असर नहीं हुआ है।